जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की किताब का 65th चैप्टर देखने वाले हैं, ऑथोरिटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और अगर आपको बाकी के जो चैप्टर्स है पॉलिटी के, अगर आपको वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट पर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे उस पर डाले हुए हैं, तो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो के लिए। अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने हम पर कई सालों तक राज किया। अब जब उन्होंने राज किया तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते थे, भले ही वो कुछ भी हो, वो कोई भी चिट्ठियाँ हो, कोई भी लॉज हो, वो सब इंग्लिश में होते थे, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश चलती थी। इसलिए हम इंडियंस को भी आदत हो गई थी कि हम इंग्लिश में ही वार्तालाप करते थे। और उसके बाद जब वो ब्रिटिशर्स चले गए, उसके बाद भी उनका जो हैंगओवर था वो कई दिनों तक रहा, और वही चलता था कि आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, यही सब कुछ चलता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इंडियंस को ये पता चला कि उनके पास भी बंगला है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, मतलब उनकी खुद की एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में ही सब कुछ क्यों हो रहा है, अभी भी सिर्फ इंग्लिश में ही क्यों चल रहा है? इसलिए फिर यहाँ पर हिंदी का भी जिक्र किया गया कि हमारे संविधान में भी जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी ऑथोरिटिव टेक्स्ट है, वो सब हिंदी में भी होना चाहिए। तो हमारा जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर है। अब देखिए, ओरिजिनली ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था जो ऑथोरिटिव टेक्स्ट होते हैं। अब ऑथोरिटिव टेक्स्ट में क्या क्या आता है, तो सब कुछ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, उसी के साथ जो भी बिल्स हो, जो भी ऑर्डिनेंस हो, तो ये सब कुछ ऑथोरिटिव टेक्स्ट में आता है। अब ये जो है ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं हुआ करता था, ये हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। इसलिए इसे हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करने की बात की गई थी। और फिर जब हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की बात की जाती है तो वहाँ पर आता है 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने यहाँ पर एक नया आर्टिकल दाखिल किया जिसका नाम है 394A। अब देखिए, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट मतलब क्या है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इस तरीके से बनाया गया है कि टाइम के हिसाब से हर चीज़ें चेंज होती है, और जब चीज़ें चेंज होती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक रूल बुक है उसमें भी चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत होती है। अब ये जो चेंजेस है ये ए बी सी इस तरीके से, मतलब जो भी आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो आर्टिकल के साथ ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये लगाए जाते हैं, और इससे हम समझ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए लाया गया है। और ये जो है, जैसे 22 पार्ट है तो 22वें पार्ट में ये जो चीज़ है ये डाली गई है, ये आर्टिकल जो है 394A ये डाला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आर्टिकल 394A के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब अंडर ऑथोरिटी ऑफ, अब देखिए जो आर्टिकल 394 है ये एक जो ऑथोरिटी है, अब किसकी ऑथोरिटी आती है, तो हमारे प्रेसिडेंट की ऑथोरिटी आती है। मतलब यहाँ पर जो ऑथोरिटी है वो किसकी चलने वाली है, तो हमारे जो राष्ट्रपति है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनकी यहाँ पर ऑथोरिटी चलने वाली है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी ऑथोरिटी के अंडर में पब्लिश किया जाएगा। क्या पब्लिश किया जाएगा, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसका ट्रांसलेशन। अब देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर लिया जाएगा। तो वो किसके अंडर में होगा, किसके अथॉरिटी के अंडर में होगा, तो हमारा जो राष्ट्रपति है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, उनकी अथॉरिटी के अंडर में होगा। कौन सी लैंग्वेज में होगा, तो ये हिंदी लैंग्वेज में किया जाएगा। हमारे संविधान का ट्रांसलेशन हिंदी लैंग्वेज में किया जाएगा, और उसी के साथ यहाँ पर जब ट्रांसलेशन किया जाएगा तो इससे पहले जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, मतलब इससे पहले के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी हमारे संविधान में चेंजेस किए गए हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, वो सारे उनका भी हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है कि ये जो ट्रांसलेशन रहने वाला है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का ट्रांसलेशन रहेगा, हमारे संविधान का ट्रांसलेशन रहेगा, बिल्स का ट्रांसलेशन रहेगा, जो कुछ भी ट्रांसलेशन रहने वाले हैं, इसका सेम मीनिंग रहना चाहिए जो इंग्लिश लैंग्वेज में है।
मतलब जो चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में दी हुई है अगर उसका ट्रांसलेशन हम हिंदी लैंग्वेज में करते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो सेम ही रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ और दिया हुआ है लेकिन जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो ट्रांसलेशन कुछ और ही निकल रहा है, अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी ट्रांसलेशन यहाँ पर हो रहा है इंग्लिश से हिंदी में वो सेम मीनिंग का रहना चाहिए, एकदम सेम रहने चाहिए। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी यहाँ पर निकल कर आती है, कोई भी प्रॉब्लम निकल कर आता है, कोई चीज़ समझने में तकलीफ जा रही है, तो फाइनल जो जवाब रहेगा वो कौन देगा, तो हमारे राष्ट्रपति देंगे, हमारे प्रेसिडेंट देंगे। और उसी के साथ एक कंफर्मिटी भी आती है, वो क्या होता है कि जो भी रूल्स है, जो भी एक टेक्स्ट होता है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेक्स्ट होता है, वो सब कुछ हिंदी लैंग्वेज में जिस तरीके का रहेगा उस तरीके से ही अडॉप्ट किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है कि जो भी हमारे संविधान का ट्रांसलेशन रहेगा और जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगे ये पब्लिश किए जाएंगे फॉर ऑल पर्पजेस इट्स ऑथोरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी। तो यहाँ पर ऑल पर्पज़ के लिए, सारे पर्पज़ के लिए जो ऑथोरिटिव टेक्स्ट रहेगा ये हिंदी लैंग्वेज में दिया जाएगा। अब यहाँ पर रीजंस देखने की बात करते हैं हम कि 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाना पड़ा। देखिए हमारा संविधान जो है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसी के साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अडॉप्ट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी किया गया था 1950 में, और जो 1950 अडॉप्ट किया गया था हिंदी ट्रांसलेशन भी, जो सिग्नेचर्स है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी हमारी उसमें जो भी मेम्बर्स थे उनके अंडर में यहाँ पर सिग्नेचर किए गए थे हिंदी ट्रांसलेशन पर भी। उसी के साथ काफ़ी कुछ आवाज़ें निकली थी, काफ़ी कुछ जो डिमांड है वो निकली थी कि ये जो सब कुछ है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, जो कुछ भी हो, अथॉरिटिव टेक्स्ट हो, ये अथॉरिटिव टेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज में भी रहना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बल्कि हिंदी लैंग्वेज में भी रहना चाहिए। अब उसी के साथ जो कन्फर्मिटी होती है, अब कन्फर्मिटी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंप्लायंस होता है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, ये सब कुछ लैंग्वेज, स्टाइल, टर्मिनोलॉजी, ये सब कुछ भी जो अडॉप्ट की जाएगी ऑथोरिटी टेक्स्ट में ये भी हिंदी लैंग्वेज में रहना चाहिए, मतलब सेंट्रल एक्ट जो है वो हिंदी लैंग्वेज में रहना चाहिए। अब इसी के साथ इन पर्सन्स ऑफ आर्टिकल 394A प्रेसिडेंट जो है उन्होंने पब्लिश किया गैजेट ऑफ इंडिया में ऑथोरिटी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी लैंग्वेज में। तो हम ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 394A ये जो है ये बोलता है कि जितने भी ऑथोरिटी टेक्स्ट है ये सब कुछ हिंदी लैंग्वेज में रहना चाहिए, और हमारे जो राष्ट्रपति है उन्होंने गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया। और उसी के साथ अब हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें हो, फिर वो बिल्स हो, जो भी ऑथोरिटी टेक्स्ट हो, वो सब कुछ हिंदी लैंग्वेज में भी पब्लिश किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रीएम्बल देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, और यहाँ पर हम देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, और उसी के साथ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे ये सारे हमारे हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश किए गए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि मैं कितने जल्दी आपके सामने जो ये चैप्टर्स है ये लेकर आऊँ। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।